कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी जाकिर मूसा गिरोह के अंतिम सरगना अब्दुल हमीद ललहरी को मार गिराया है। उसके साथ दो अन्य आतंकी भी मारे गए हैं, जिनकी पहचान नाविद टाक और जुनैद भट्ट के तौर पर हुई है। जाकिर मूसा अंसार गजवात उल हिंद आतंकी संगठन का मुखिया था, जिसकी मौत के बाद अब्दुल हमीद ललहरी ने कमान संभाल ली थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि जैश के तीन आतंकी त्राल के राजपुरा में काजीनाग में हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों की घेराबंदी की। जवान तलाशी लेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि एक मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद के अलावा आतंकी संगठन से जुड़े कई दस्तावेज, दो अत्याधुनिक वायरलेस और जीपीएस बरामद हुआ है। राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए आतंकियों ने त्राल के ऊपरी क्षेत्र पुलवामा और शोपिया में गुज्जर समुदाय के लोगों को अगवा करके उनकी हत्या की थी। साथ ही आतंकी हमीद ललिहारी ने अंसार गजवात उल हिंद की कमान संभालने के बाद घाटी से कई युवाओं को भटकाकर आतंकी बनाने का काम किया था। पुलवामा और शोपिया में कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद ललिहारी को दी गई थी। हमीद ललिहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफी लोगों को उसने मोटिवेट। राज्य पुलिस की विशेष अभियान दल के जवानों ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकी जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण हालात को देखकर बौखलाए हुए हैं। वे लोगों को कारोबार करने से रोकने के लिए उनकी हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बेहद कोशिशें हो रही हैं कि रोज और रोज मिलिटेंट्स के जहां पर पुशिंग करें और इनकी तादाद बढ़ाएं। कुछ मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन हुई है और बहुत सारी जो उनके अटेम्प्ट्स हैं उनको असफल कर दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। 5 अगस्त के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये छठी और दक्षिण कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 16 अक्टूबर को पुलवामा में 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि 8 अक्टूबर को अवंतीपोरा के कावनी इलाके में लश्कर के उफैद और अब्बास नाम के 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।